teachers and good morning everyone present here. Today, we will be performing a skit on alcoholic fatty liver disease. So the first question arises, what is alcoholic fatty liver disease? It is a reversible condition in which triacylglycerols or TAGs get accumulated in liver cells or the hepatocytes. It is caused due to heavy alcohol consumption. As you can see in this slide, it is a healthy liver and these are the hepatocytes. This is the fatty liver and this is the hepatocytes containing TAG molecules, TAG molecules. So, aaj hum dekhenge kissa. Kissa Rishabh ka, jo ki ek office worker hai. Office ka scene. कल का काम किया गया थोड़ा टाइम नहीं चले वाले हम पर आज रात तक कंप्लीट करने थे वरना मैं तेरे नौकरी से निकाल यार आज बहुत वर्क का एक्स्ट्रा काम पकड़ा दिया काम का स्ट्रेस दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है ये बेचारा काम के बोझ का मारा इसे चाहिए सिर्फ एक खंबे का सहारा आज फिर तीन एक ही तमन्ना है घर का सीन बसंती बैठे पूरा रहना अरे ये क्या आप पीछे पीछे बैठ गए ऋषभ का ऑफिस जाते समय पेट दर्द होने लगता है ओए काम की हो गया क्या मतलब पाजी पेट काफी दर्द कर रहा है अरे कोई ना घर जाके दो दो पैग और लगा लेना हमेशा की तरह सब ठीक हो जाएगा सही घर का सीन यही एक सहारा है मेरा बसंती क्या हो गया क्या हो गया आपके बाद घर नहीं जाना पड़ेगा हॉस्पिटल का सीन डॉक्टर ने ऋषभ को अल्ट्रासोनोग्राफी और लिवर फंक्शन टेस्ट कराने के लिए कहा था अकॉर्डिंग टू डॉक्टर क्लिनिकल फाइंडिंग्स आर डिस्कम्फर्ट इन अपर राइट साइड ऑफ अब्डोमिन सेकंड इनलार्जमेंट ऑफ लिवर थर्ड लॉस ऑफ एपेटाइट वेट लॉस एंड फोर्थ जॉइंटिस एंड वीकनेस जैसे कि डॉक्टर ने कहा था एलएफटी की रिपोर्ट निकालना है तो ये थी पेशेंट की एलएफटी की रिपोर्ट इस रिपोर्ट में कौन से मेन पैरामीटर देखेंगे जैसे सीरम मोटर बिलिरुबिन देखेंगे सीरम एएसटी देखेंगे यानी एस्पार्टेट ट्रांसमाइनेज देखेंगे सीरम एलएनए ट्रांसमाइनेज देखेंगे सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज देखेंगे और सीरम गामा ग्लूटामेट ट्रांसमाइनेज देखेंगे तो इनकी नॉर्मल वैल्यू क्या है 0.12 एमपी पर डीएल ये थी टोटल बिलिरुबिन की वैल्यू लेकिन वो बढ़ के हो गई 11 एमजी पर डीएल एएसटी की वैल्यू नॉर्मल होनी चाहिए 0.35 जो बढ़कर हो गई 204 और एएलटी की वैल्यू नॉर्मल होनी चाहिए 7-56 यूनिट्स पर लीटर जो बढ़कर हो गई 202 और जीजीटी की नॉर्मल वैल्यू होती है 10-30 यूनिट्स पर लीटर जो बढ़कर हो गई है 179 तो इन सब से हमें क्या होने पड़ता है कि पेशेंट को हुआ है फैटी लीवर अब फैटी लीवर तो कौन सा फैटी लीवर हम कैसे
कोई भी फैटी लीवर हो जीजीटी हर फैटी लीवर डिजीज में बढ़ता है, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे वो फैटी लीवर ही है या फिर अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज है? तो हम कंपेयर करेंगे एएससी और एएलडी की वैल्यू। अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज में एएससी हमेशा ज्यादा बढ़ता है एज कंपेयर टू एएलडी की वैल्यू। यहाँ पे देखो एएससी की वैल्यू 204 लीटर पर लीटर बढ़ गई है और यहाँ पे एएलडी की वैल्यू 202, यानी एएससी ज्यादा ही बढ़ गया एएलडी। इसका मतलब ये रिपोर्ट कंफर्म करती है कि अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज हुआ है। नाउ यू सी कि अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से लीवर में टीएजी जैसे एक्युमुलेट होता है। तो फर्स्ट स्टेप में इथेनॉल गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिटाल्डिहाइड बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम एल्कोहलिक डिहाइड्रोजेनेज एंड देन एसिटाल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजेनेज। इन दोनों स्टेप में हमारे बॉडी में जो एनएडी प्लस है वो कन्वर्ट होता है इनटू एनएडीएच। दिस लीड्स टू राइज इन द लेवल ऑफ एनएडीएच। नाउ एनएडीएच प्रमोट्स द कन्वर्जन ऑफ ऑब्जर्व एसिटेट इनटू मैलेट। इसके वजह से हमारे बॉडी में ऑब्जर्व एसिडिटी का जो लेवल है वो कम होते जाएगा। नाउ वी नो फॉर द बर्निंग ऑफ एसिटाइल सीओए इन टीसीए साइकिल वी रिक्वायर ऑब्जर्व एसिडेट। बट अगर ऑब्जर्व एसिडेट कम है तो एसिटाइल सीओए के थ्रू फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस देन इट विल लीड टू द इंक्रीज इन ड्राई एसिड डिसऑर्डर। यही ड्राई एसिड डिसऑर्डर जाते हैं लीवर सेल्स में डिपॉजिट होता है एंड इट लीड्स टू अनहेल्दी लीवर। सो अभी हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ लीवर डैमेज जो कि फोर स्टेजेस में ऑकर होता है। उसमें जो फर्स्ट स्टेजेस होती है उसमें लीवर नॉर्मल होता है, उसमें टीएजी प्रेजेंट भी नहीं होता है और फैट डिपोजिशन भी नहीं होता है। जो सेकंड स्टेज होती है उसे हम कहते हैं फैटी लीवर, जिसमें टीएजी प्रेजेंट होने की वजह से फैट डिपोजिशन स्टार्ट होता है। जो थर्ड स्टेज होती है उसे हम कहते हैं लीवर फाइब्रोसिस, जिसमें फैट डिपोजिशन की वैल्यू बढ़ जाती है। पर ये सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज जो है वो रिवर्सिबल है, यानी कि यहाँ से लीवर नॉर्मल स्टेज में बैक हो सकता है। पर जो फोर्थ स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं लीवर सिरोसिस, उसमें फैट डिपोजिशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और एक परमानेंट स्टेज है, तो यहाँ से लीवर नॉर्मल स्टेज में नहीं जा सकता। हॉस्पिटल का सीन ये लिखे डॉक्टर था कि रिपोर्ट देख लिए पता चलता है कि इनको अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं, इनको हेल्दी खाना दीजिए, डेली एक्सरसाइज करवाइए और शराब बंद कर दीजिए। ऋषभ साहब जी आज से शराब बंद कर दीजिए। डॉक्टर की राय सुन के ऋषभ ने शराब पीना छोड़ दिया, जिसके वजह से उसका फैटी लिवर एक हेल्दी लिवर बन गया। अपने लीवर को हेल्दी रखना है तो क्विट स्मोकिंग, क्विट ड्रिंकिंग।